सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया। सभी को नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म संवाद में पितृपक्ष के निमित्त हमारी विशेष मालिका शुरू है। पश्चिमी देशों में माता पिता के सम्मान के लिए वर्ष में एक बार मदर डे और फादर डे मनाते हैं, परंतु भारत में माता पिता का केवल सम्मान ही नहीं, उनकी संतानें उनकी निरंतर सेवा भी करती हैं। और इतना ही नहीं, माता पिता अथवा अन्य परिजनों की मृत्यु के उपरांत उनकी अगली यात्रा निर्विघ्न रूप से हो, इसके लिए प्रतिवर्ष पितृपक्ष में श्राद्धादि विधि भी किए जाते हैं। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, एक धर्म विज्ञान कैसे है यह हम इस मालिका से समझ कर लेंगे। साथ ही श्राद्ध से जुड़े आपके प्रश्न और सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहे दुष्प्रचार का हम इस मालिका के माध्यम से उत्तर भी देंगे। आइए आज के धर्म संवाद का हम प्रारंभ करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि पितृपक्ष और श्राद्ध इस विषय में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंहवाल जी उपस्थित है। पूजनीय नीलेश सिंहवाल जी, आपका इस धर्म संवाद में स्वागत है। आज के धर्म संवाद का प्रारंभ करने से पूर्व हम पूजनीय नीलेश सिंहवाल जी का परिचय समझ कर लेंगे। आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य हेतु आप निरंतर प्रवास करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव आपके पास है। हमारा सौभाग्य है आज उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। आइए तो आज के इस धर्म संवाद का पहला प्रश्न हम पूजनीय नीलेश जी से पूछते हैं। अनेक बार वंशवृत्ति में आने वाली बाधा से पितरों के कष्ट का संबंध जोड़ा जाता है, तो इसका निश्चित रूप से तात्पर्य क्या है यह हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, गर्भधारण होने पर उस शिशु का जन्म सुख और सुलभता से होना आवश्यक होता है। गर्भ में जीव का प्रवेश, उसका विकास और गर्भवती माता की प्रसन्नता, साथ ही उसका सहज सुलभ प्रसव, क्या केवल औषधि से होना संभव है? उसके लिए ईश्वरीय कृपा भी होनी आवश्यक होती है। उसके लिए ब्रह्मांड की निर्मित करने वाली शक्ति की कृपा होनी चाहिए। पूर्वज हमारे वंश रक्षक हैं, इसलिए शाश्वत कुल धर्म यानी कुलाचार पालन और श्राद्ध आदि धर्म का गंभीरता से पालन करना चाहिए। कुल धर्म टाले गए और उससे मातृदोष और पितृदोष बढ़ गए तो उससे उस परिवार को कष्ट होता है। श्राद्ध आदि कुल धर्म का पालन करने से वंश शुद्धि हो जाती है, इसलिए शाश्वत कुल धर्म एवं श्राद्धादि धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण बताता है कि देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी मंगल कार्यों में भी हमने देखा होगा कि नांदी श्राद्ध का विधान सबसे पहले होता है। तो ये जो संबंध जोड़ा जाता है ये इस प्रकार से है, और ये बहुत आवश्यक है कि श्राद्ध आदि जो कुल धर्म का आचरण है वो हमें करना आवश्यक है। जी पूजनीय नीलेश जी, अगला प्रश्न हमें ये लगता है कि ये वंश शुद्धि अथवा वंश वृद्धि के लिए श्राद्ध का आपने जो महत्व बताया है, पर लोग ये कैसे समझे कि उन्हें जो कष्ट हो रहा है वो पितरों के कारण ही हो रहा है? ये एक अच्छा प्रश्न है।
आज के समय में पहले की भांति लोग श्राद्ध आदि विधि और साधना भी नहीं करते हैं। इस कारण आज लगभग सभी को ही अतृप्त पूर्वजों के लिंग देहों के कारण कष्ट होते हैं। हमें पूर्वज कष्ट दे रहे हैं अथवा पूर्वजों के कारण कष्ट होने की संभावना है, इस संदर्भ में केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो उन्नत व्यक्ति होते हैं, संत होते हैं, वही बता सकते हैं। इसका दिशा दर्शन करने वाले संत नहीं मिले तो कुछ लक्षणों से हमें कष्ट है अथवा नहीं इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे घर में निरंतर कलह होना, एक दूसरे में सामंजस्य न होना, नौकरी न लगना, घर में पैसे न टिकना, किसी को गंभीर रोग या कोई बीमारी होना, सभी परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी विवाह न होना, पति पत्नी में अनबन रहना, गर्भधारणा न होना, गर्भधारण होने पर गर्भपात होना, संतान का जन्म होने पर उसका मंद बुद्धि का अथवा दिव्यांग होना, और परिवार में किसी न किसी सदस्य को किसी प्रकार का व्यसन लगना, इत्यादि ये अलग अलग प्रकार के उदाहरण है जिससे हमें अनुमान लगाना आसान हो सकता है कि इसमें पूर्वजों के माध्यम से कष्ट हो रहे हैं। और यदि इस प्रकार के कष्ट हो तो ऐसा समझा जा सकता है कि ये पूर्वजों की अतृप्ति के कारण है। श्राद्ध विधि करने से पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उनके आशीर्वाद मिलते हैं, साथ ही मर्त्य लोक में फंसे पूर्वजों को सदगति प्राप्त होने से उन्हें होने वाले कष्टों का निवारण भी होता है। तो ये इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण शास्त्र बताया जाता है। जी, आपने जो अभी ये लक्षण बताए हैं, इससे सामान्य व्यक्ति भी उसे पितृदोष है या नहीं यह निश्चित रूप से समझ सकता है। तो अगला प्रश्न हमारा यह है कि श्राद्ध के अन्य कुछ लाभ और भी है क्या, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। श्राद्ध करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, इसके संदर्भ में गरुड़ पुराण, जो हमारा गरुड़ पुराण है, इसमें भी कहा गया है। इसके संदर्भ में एक श्लोक है, आयुः पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजना। इसका अर्थ ये है कि आयुष्य, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, धन, अनाज जैसी प्राप्तियाँ पितृपूजन अर्थात श्राद्ध करने से होती है। और श्राद्ध में विद्यमान विधियों के कारण पूर्वजों को भी समय समय पर एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है। जी दर्शकों, गरुड़ पुराण के इस श्लोक से ही श्राद्ध के अनेक लाभ पूजनीय नीलेश जी ने हमें स्पष्ट किए हैं। श्राद्ध के अनेक प्रकार भी बताए जाते हैं, तो दर्शकों को आप अनेक प्रकारों के बारे में भी कुछ बताइए। श्राद्ध के अनेक प्रकार हैं, जैसे भी मत्स्य पुराण है तो मत्स्य पुराण में श्राद्ध के नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य श्राद्ध, ये प्रमुख तीन प्रकार बताए गए हैं। यमस्मृति में इन तीन प्रकारों के साथ ही नांदी श्राद्ध एवं पार्वण श्राद्ध, ये भी मुख्य प्रकार बताए गए हैं। और शास्त्र में कुल 96 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, उनमें से एकोद्दिष्ट, सपिंडीकरण श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, महालय श्राद्ध एवं नांदी श्राद्ध, ये 5 प्रकार प्रचलित है। पितृपक्ष में महालय श्राद्ध किया जाता है तो भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक किए जाने वाले श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। ये श्राद्ध के अलग अलग प्रकार हैं। जी पूजनीय नीलेश जी, श्राद्ध विधि में एक विधि रहता है जिसमें जो पिंड रखा जाता है उसको कौवे द्वारा स्पर्श करना होता है, इसको लेकर अनेक बार उपहास किया जाता है, तो इस विषय में आप क्या बताएंगे? अभी ये जो आपने प्रश्न पूछा है, बहुत लोग इसके संदर्भ में पूछते हैं। मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा
कि जो इसे अंधविश्वास ठहरा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उन्हें श्राद्ध के विषय में ना ही कुछ जानकारी है और ना ही उन्होंने जानकारी लेने का प्रयास किया है। हिंदुओं को लाभ देने वाले ऐसे विधि के विषय में अश्रद्धा उत्पन्न करने का एक प्रयास है। इसका शास्त्र में हमें मैं बता रहा हूँ। कौवे ने पिंड को छूना, इसमें श्राद्ध विधि में पिंड को कौवे का स्पर्श होना महत्वपूर्ण सूत्र होता है। श्राद्ध में पिंडदान के समय से पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। पूर्वजों की अतृप्त इच्छाओं की आपूर्ति पिंड के माध्यम से ही की जाती है। सर्वसामान्य लोगों में वासना अधिक होती है, इसलिए उनके लिंग देह से विषम अर्थात रज एवं तम प्रधान तरंगे बाहर निकलती है। कौवा जो है वो अधिकाधिक विषम तरंगों को आकर्षित करने वाला एक पक्षी है, इसलिए उसे ये तरंग प्रतीत होते हैं। पूर्वजों की लिंग देह जब पिंड की ओर आकर्षित होती है तब पिंड विषम तरंगों से भारित हो जाता है। इन तरंगों की ओर कौवा भी तुरंत आकर्षित हो जाता है। इसलिए पिंड को कौवे का स्पर्श होने का अर्थ यह है कि पूर्वजों का श्राद्ध स्थल पर आकर उनकी संतुष्टि होने का ये दर्शक है। इसी को कौवे के द्वारा निवाला लेना या कौवे का निवाला ऐसे भी कहा जाता है। वासना से युक्त लिंग देह और मनुष्यों के मध्य कौवा एक कड़ी का काम करता है और लंबे समय तक प्रतीक्षा कर भी पिंड को कौवे का स्पर्श नहीं हुआ तो उस मृत व्यक्ति की कौन सी इच्छा पूर्ण है, यह हमें समझ में नहीं आता है और उसे कभी भी उसकी इच्छा पूर्ति का आश्वासन भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह हमारे वश की बात नहीं है। कभी कभी तो 24 घंटे पश्चात भी पिंड को कौवे का स्पर्श नहीं होता है, ऐसे समय में दर्भ का कौवा बनाकर पिंड को उसका स्पर्श कराया जाता है। ये कौवे के द्वारा पिंड को स्पर्श करने का जो महत्व है यह हमें इससे समझ में आता है। जी, सभी को केवल इतना ही पता होता है कि पिंड को कौवे का स्पर्श होना आवश्यक है, पर अदृश्य अर्थात सूक्ष्म विश्व में क्या प्रक्रिया होती है यह आपने हम सभी को बहुत अच्छे से समझाया है। एक आक्षेप और भी उठाया जाता है कि श्राद्ध करने का अधिकार महिलाओं को नहीं है। हिंदू धर्म महिलाओं को द्वितीय स्थान देता है, इसके कारण ऐसा भी कहा जाता है। इस विषय में धर्मशास्त्र क्या कहता है ये आप हम सभी को बताएं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार टिप्पणी करने वाले श्राद्ध विधि को मानते हैं कि नहीं, पहले उन्हें यह बताना पड़ेगा। यदि वो श्राद्ध विधि को ही अंधविश्वास मानते हैं तो उन्हें इस प्रकार से प्रश्न करने का कोई अधिकार ही नहीं है। वैसे भी श्राद्ध की व्याख्या में ही हमने समझ लिया था कि श्रद्धा से जुड़ा हुआ शब्द है, श्रद्धा से श्राद्ध होता है, तो यहाँ पर श्रद्धा का प्रश्न है। श्राद्ध करने के अधिकार के संदर्भ में हिंदू धर्म में प्रत्येक मृत व्यक्ति का श्राद्ध हो और उससे उसे सदगति प्राप्त होगी इसका विधान बताया गया है। जो बालक है जिसका उपनयन न हुआ हो वो भी श्राद्ध कर सकता है, बेटी भी श्राद्ध कर सकती है, पौत्र कर सकता है, प्रपौत्र, पत्नी, संपत्ति में भागीदार लड़की या लड़का, नाती, पोता, पत्नी, सगा भाई, भतीजा, चचेरे भाई का लड़का हो वो भी कर सकता है, पिता और माता भी कर सकते हैं, बहू, बड़ी और छोटी बहन के बच्चे, मामा, सपिंड अर्थात सात पीढ़ी तक कुल के कोई भी कर सकते हैं, समानोदक अर्थात सात पीढ़ी के पश्चात के गोत्र के कोई भी कर सकते हैं, शिष्य कर सकता है, उपाध्याय कर सकते हैं, मित्र भी कर सकता है और जमाई वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस क्रम से पहला ना हो तो दूसरा श्राद्ध करें, ये शास्त्र विधान है। धर्म में ये भी बताया गया है कि किसी मृत व्यक्ति के कोई भी संबंधी ना हो तो उसका श्राद्ध करने का कर्तव्य राजा का होता है। इससे ध्यान में आता है
कि श्राद्ध विधि अमुक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए नहीं किया गया। हिंदू धर्म में ऐसा बोलने का अवसर किसी को भी नहीं दिया जाता है। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो मृत्यु के पश्चात भी प्रत्येक व्यक्ति का विचार करता है। अब शास्त्रों में लड़की, पत्नी, माता और बहू को श्राद्ध करने का अधिकार का विधान बताया गया है। भले ही ऐसा हो, परंतु आजकल के श्राद्ध विधि करने वाले पुरोहित जो हैं वो महिलाओं को श्राद्ध करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि पहले महिलाओं का भी मौजी बंधन होता था। आज के समय में ये संस्कार सभी वर्णों में बंद होने के कारण उसके अनुसार महिलाओं का श्राद्ध करना भी बंद हुआ है। परंतु संकट काल में, अर्थात श्राद्ध करने के लिए अगर कोई भी उपलब्ध न हो, तो श्राद्ध न करने के स्थान पर महिलाओं को श्राद्ध करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात भी हमें साथ में ध्यान में रखनी आवश्यक है। जी पूजनीय नीलेश जी, हिंदू धर्म में महिला भी श्राद्ध कर सकती है, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। साथ ही कौन किसका श्राद्ध कर सकता है, इसके विषय में भी आपने विस्तार से हमें जानकारी दी। निश्चित ही इससे दर्शकों को लाभ होगा। आज का अंतिम प्रश्न हम अब देखेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए अधिक लाभदायी तिथि कौन सी है, यह हम जानना चाहेंगे। अब भाद्रपद मास जो होता है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है और ये पक्ष पूर्वजों का प्रिय पक्ष है। इस पक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध करने पर वे पूरे वर्ष भर संतुष्ट रहते हैं और वर्ष श्राद्ध करने के पश्चात पितृपक्ष में भी श्राद्ध करना आवश्यक होता है। और एक श्राद्ध है, वो है भरणी श्राद्ध। गया क्षेत्र में जाकर श्राद्ध करने से जितना फल मिलता है, उतना ही फल पितृपक्ष के भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से मिलता है, इसलिए इसे भरणी श्राद्ध कहा गया है। श्राद्ध के अनुसार वर्ष श्राद्ध के पश्चात भरणी श्राद्ध करें। वर्ष श्राद्ध से पूर्व सपिंडीकरण श्राद्ध किया जाता है, तत्पश्चात भरणी श्राद्ध करने से मृतात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। ये श्राद्ध प्रत्येक पितृपक्ष में करना आवश्यक है। आज प्रचलित पद्धति के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन सपिंडीकरण श्राद्ध किया जाता है, इसलिए प्रचलित प्रथा के अनुसार मृत व्यक्ति होने के पश्चात उसी वर्ष आने वाले पितृपक्ष में भरणी श्राद्ध किया जाता है। अब आती है सर्वपितृ अमावस्या। पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस तिथि को कुल के सभी पूर्वज इनके लिए श्राद्ध किया जाता है। यदि पूरे वर्ष में निरंतर और पितृपक्ष की अन्य तिथियों में श्राद्ध करना संभव नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में अमावस्या को श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये पितृपक्ष की अंतिम तिथि होती है। शास्त्र में बताया गया है कि अमावस्या श्राद्ध करने के लिए अन्य तिथियों की तुलना में उचित तिथि है और पितृपक्ष की अमावस्या सर्वाधिक उचित तिथि है। इस दिन अधिकतर सभी घरों से कम एक ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। जी दर्शकों, यह ऑनलाइन सत्संग नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए www.youtube.com/हिंदू जागृति, वहां पर वीडियो के नीचे सब्सक्राइब, इस पर आप क्लिक करें और साथ ही घंटी के चित्र पर क्लिक करें। पूजनीय नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें श्राद्ध के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी दी, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। दर्शकों, पितृपक्ष के निमित्त श्राद्ध विषय में बहुत अच्छी जानकारी पूजनीय नीलेश जी ने हमें दी है। समाज में फैली भ्रांतियों का भी आपने उचित समाधान आज किया है। अगले धर्म संवाद में हम श्राद्ध से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए भी आपका मार्गदर्शन लेंगे।
इसी के साथ आज के धर्म संवाद को यहीं पर हम विराम देते हैं। आज के इस कार्यक्रम संबंधी आपके यदि कुछ सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो अवश्य फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखें। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद संपन्न हुआ है, ऐसे में घोषित करता हूँ। नमस्कार।